का स्वागत है आज की श्रीमद्भागवतम कक्षा में। तो जैसा कि आप सब लोग परिचित हैं कि बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है, सती और अंतक्ष का संवाद चल रहा है, और इस जो लीला है इसमें ये चौथा अध्याय इस लीला के अंतर्गत, और इस लीला में हमने बहुत सारे अध्याय बहुत सारी टीचिंग्स हमने इसमें प्राप्त की हैं पल पल पे, और आज भी हम कुछ टीचिंग्स इसमें से जो वैल्यूबल है हमारे जीवन के लिए वो करने का प्रयास करेंगे। और इसी संदर्भ में हम देखते हैं कि जब शिव जी इससे पहले सती को कुछ आर्गुमेंट दे रहे थे कि आपको इन कारणों से वहां पर जाना नहीं चाहिए, तो हम देखते हैं कि शिव जी दक्ष को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे थे, या दक्ष के प्रति उनके मन में ईर्ष्या नहीं थी। दक्ष को क्रिटिसाइज किए बिना वो क्या है, कुछ ऐसी कॉन्सिक्वेंसेज ऐसी चीजें बता रहे थे सती को कि ऐसा हो सकता है, आप जाओगे तो वहां पर ऐसा हो सकता है, लेकिन बिना ईर्ष्या के क्या है वो सती को ये सारे जो कॉन्सिक्वेंसेज जो आगे चीजें होने वाली वो बता रहे थे। लेकिन तब सती को समझ में नहीं आया था, और अभी क्या है जब वो वहां पर पहुंची तो उनको समझ में आया कि हाँ मुझसे क्या है गलती हुई है, और जो मेरे जो पति थे जो शिव जी कह रहे थे वो चीजें सही थी। तो जब उन्हें आज रियलाइज हुआ तो आज से सती क्या कर रहे हैं, दक्ष को क्रिटिसाइज करना शुरू कर रहे हैं। आज पहला श्लोक है जिसमें सती माता दक्ष को कह रही हैं, भगवान शिव तो समस्त जीवात्माओं के लिए क्या है अत्यंत प्रिय हैं, उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, न तो कोई उनका अत्यंत प्रिय है न कोई शत्रु है। आपके सिवा ऐसा कौन है जो ऐसी विश्वात्मा से दोस्त करेगा जो समस्त वैर से रहित है। तो आज ये पहला श्लोक है जो सती माता कह रही हैं। तो यहाँ पे सती देवी जो हैं इस श्लोक के अंतर्गत पैरेलली साइमल्टेनियसली दो चीजें कह रही हैं, एक तो जो शिव जी हैं उनके पति हैं उनको ग्लोरीफाई कर रही हैं, उनका गुणान गुणानुवाद कर रही हैं, और दूसरा दूसरे जो पार्ट है उसमें क्या कर रही हैं, दक्ष को क्रिटिसाइज कर रही हैं। तो आज हम इन्हीं दो पहलुओं पर चर्चा करेंगे, जो पहला है कि शिव जी ग्लोरीफाई कर रही हैं और प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं, और दूसरा है कि उनको क्रिटिसाइज कर रही हैं कि आपके अंदर द्वेष है, आप जैसा द्वेषी व्यक्ति क्या है शिव जी को क्रिटिसाइज कर सकता है, और कोई व्यक्ति क्या है उनसे द्वेष नहीं कर सकता। तो इन्हीं पे हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो ये टॉपिक ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस हो चुके हैं, जैसे मैं भी सोचता हूँ कि जो द्वेष है वो शुरुआत से लेकर अभी तक चलता ही आ रहा है, पता नहीं अभी इतने सारे हमने इतने दिनों से क्लास सुनना है लेकिन हो सकता है हमारा द्वेष अभी तक खत्म ना हो। इसीलिए आज फिर से कुछ द्वेष पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे, और जो शिव जी ग्लोरिफिकेशन है जैसे प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं समाज सर्वे से भूतेश के, वो क्या ड्युअलिटी से अलग होता है। तो ऐसा कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे जो अब तक चर्चा ना हुआ हो, मैं प्रयास करूंगा ऐसा, नहीं तो लोग बोलोगे। तो यहाँ पे जो सती माता पहले पार्ट में क्या कर रही हैं, शिव जी को क्या उनका ग्लोरिफिकेशन कर रही हैं, उनको ग्लोरीफाई कर रही हैं, और हम देखते हैं कि जो शिव जी का ग्लोरीफाई यहाँ पे सती कर रही हैं इससे पहले भी शिव जी का क्या है, शिव जी को बहुत सारे लोगों ने इसी लीला में क्या ग्लोरीफाई किया, और उनकी जो पोजीशन है उनकी जो स्थिति है उसको क्या है इस्टेब्लिश किया। इससे पहले किसने किया, विदुर ने किया, मैत्रेय ने किया, और फिर उसके बाद जो उनके फॉलोअर्स हैं नंदी इत्यादि उन्होंने भी क्या है शिव जी की जो स्थिति है उसको इस्टेब्लिश किया और उनको ग्लोरीफाई किया, और अब क्या कर रही हैं सती भी शिव जी को ग्लोरीफाई कर रही हैं। और इसके बाद भी हम देखेंगे कि ब्रह्मा जी आएंगे और विष्णु आएंगे, वो भी क्या है जो शिव जी की स्थिति है उसको रिस्टेब्लिश करेंगे और ग्लोरीफाई करेंगे उनको। तो और सभी यहाँ पे क्या है शिव जी ग्लोरीफाई कर रहे हैं, और हम देखते हैं कि खाली शिव जी को ही ग्लोरीफाई नहीं किया श्रीमद् भागवतम में। तो श्रीमद् भागवतम क्या है, पूरी श्रीमद् भागवतम के अंदर क्या है खाली सभी वैष्णवों का क्या है गुणगान ही है, ग्लोरीफिकेशन ही है। हर चैप्टर में कहीं ना कहीं हर लीला में क्या है किसी न किसी वैष्णव को क्या है ग्लोरीफाई किया गया है। और जब व्यासदेव ने सारे शास्त्र लिख दिए थे और जब भागवतम का निर्माण नहीं हुआ था तो बहुत वो परेशान थे, उन्हें लगा था कुछ कमी महसूस हो रही थी, कुछ इनकम्प्लीटनेस थी उनके अंदर। तो नारद मुनि वहां पे आते हैं, उनको आदेश देते हैं कि आपने क्या है श्रीमद् भागवतम जो शुद्ध भक्ति पर ग्रंथ है वो आपने नहीं लिखा, इसी वजह से आपके अंदर क्या है कुछ कमी सी महसूस हो रही है। तो फिर उन्होंने क्या श्रीमद् भागवतम की रचना की, और व्यासदेव क्या है नारद मुनि क्या उनके गुरु हैं, गुरु की तरह गुरु हैं। तो व्यासदेव ने क्या किया जब भागवतम लिखी तो उसने उनमें से उन्होंने कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ी, जहां भी उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली क्या है उन्होंने नारद मुनि को ग्लोरीफाई किया। सबसे ज्यादा जो ग्लोरीफिकेशन है वो किसका है भागवतम में,
नारद मुनि का सबसे ज्यादा टाइम, सबसे ज्यादा बार जो किसका लीला आती है, नारद मुनि की आती है। तो एक तरह से जैसे हम लोग अभी प्रभुपाद जी की व्यास पूजा ऑफरिंग लिख रहे हैं, तो प्रभुपाद जी ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि, तो श्रीमद भागवतम क्या है, एक तरह से व्यास देव ने क्या किया, नारद मुनि के लिए व्यास पूजा अपनी ऑफरिंग लिखी, और कई बार जहां भी उन्हें अवसर मिलता है उन्होंने नारद मुनि को ग्लोरीफाई किया है। और नारद मुनि के साथ साथ ऐसे बहुत सारे भक्तों को भी उसमें श्रीमद भागवतम में ग्लोरीफाई किया है, और उनकी जो भक्तों की स्थिति है उसको क्या है, स्टेब्लिश किया है व्यास देव ने इस भागवतम के अंतर्गत। और श्रील प्रभुपाद इस संदर्भ में एक उदाहरण देते हैं कि क्यों भक्तों को ग्लोरीफाई किया श्रीमद भागवतम में, कि श्रील प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं कि जैसे मान लो आपको किसी बड़े व्यक्ति से मिलना है, किसी प्रेसिडेंट से मिलना है या जो जज है उससे मिलना है, तो आप क्या करोगे, जो उसके बच्चे हैं उनसे जाके मिलोगे, उनको चॉकलेट दोगे, एक तरह से उनको पटाओगे, उनसे संबंध बढ़ाओगे, उनको आकर्षित करोगे अपनी तरफ। तो अगर उनसे आपका अटैचमेंट हो गया, उनको उसको अपने आकर्षित कर लिया, तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट उसके जो फादर हैं, जज है या प्रेसिडेंट, जो बड़ा व्यक्ति है, वो ऑटोमेटिकली आपके क्या है, आकर्षित हो जाएगा, क्योंकि आपने उसके बच्चे को क्या है, प्रसन्न कर दिया। तो ऐसे ही श्रीमद भागवतम का श्रवण करके अगर हम भी जो भगवान के भक्तों का जो ग्लोरिफिकेशन है, गुणगान है, उसके अंदर अगर हमारी भी क्या आसक्ति उन भगवान के भक्तों से हो जाती है, तो क्या होगा, जो भक्तों के परम पिता है भगवान, उनसे भी हमारी ऑटोमेटिकली क्या है, आसक्ति हो जाएगी ऑटोमेटिकली। और श्रील प्रभुपाद जब भगवतम के पर्पस लिखते हैं, तो जो भगवान प्रभुपाद के तात्पर्य वो क्या है, एक तरह से अमृत के समान है ना, जब श्री भगवतम के क्या है, और कई सारे पर्पस को क्या है, वो चरण करते हैं प्रभुपाद, है ना, जैसे जो समुद्र का मंथन किया तो उसमें से क्या निकला, अमृत निकला। तो ऐसे ही प्रभुपाद ने क्या हुआ, जो डिफरेंट कमेंट्रीज हैं उसको क्या है, प्रभुपाद ने मंथन किया और हमें क्या दिया, तात्पर्य के रूप में खाली अमृत रूप में तात्पर्य दिया है। तो अगर हम तात्पर्य को अच्छी तरह से पढ़ते हैं, तो क्या होगा, जैसे कि वहां पे पहले वेल्थ आई लक्ष्मी के रूप में, हमें तो वेल्थ मिलेगी, बाद में क्या है, कृष्ण भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। तो ऐसे ही हमें हमारे जीवन में क्या है, वेल्थ आएगी, उसके बाद क्या होगा, कृष्ण भी हमारे हृदय में प्रकट होंगे, अगर हम भी उन तात्पर्य को सीरियसली पढ़ते हैं, ध्यानपूर्वक मनन करते हैं, उनको अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं। और हम देखते हैं कि समुद्र मंथन की लीला में क्या है, जहर भी निकला था। तो जहर कब निकलेगा, जब हम तात्पर्यों को बहुत ही द्वेषपूर्ण भावना से या उनको गलत भाव से उनका मतलब निकालेंगे या अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए उसको मिसयूज करेंगे, तो क्या है, वो जो तात्पर्य है वही अमृत क्या है, किसके समान होगा, वो जहर के समान कार्य करेगा। तो हमें जो प्रभुपाद के तात्पर्य है बहुत ही विनम्र भाव से हम सुनेंगे, तो क्या है, हम बहुत जल्दी जो हमारी भौतिक बीमारियां हैं उनसे दूर हो जाएंगी, और हमारी जो आसक्ति है, जो उसका लक्ष्य है श्रीमद् भागवतम का, हम भी क्या भगवान के भक्तों से कुछ संबंध बना पाएंगे। तो आज के तात्पर्य में प्रभुपाद भी बिल्कुल सती माता को बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं, और प्रभुपाद ने भी तात्पर्य के अंदर पहले पार्ट में क्या है, शिव जी का ग्लोरिफिकेशन किया है, और दूसरे पार्ट में जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं सती, उसको क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं उसका प्रभुपाद रीजन बता रहे हैं। तो तात्पर्य के पहले भाग में प्रभुपाद कोट कर रहे हैं, संभवम सर्वभूतेषु, मैं समस्त प्राणियों के लिए एक समान हूँ, इसी प्रकार शिव जी भगवान के गुणात्मक अवतार हैं, अतः उनमें परमेश्वर के ही समान गुण पाए जाते हैं, अतः वे समदर्शी हैं, न तो कोई उनका मित्र है और न कोई शत्रु, और किंतु जो स्वभाव से द्वेषपूर्ण होगा वह शिव जी का शत्रु बन सकता है। तो ये प्रभुपाद यहाँ पे शिव जी की ग्लोरीफाई कर रहे हैं, और हम देखते हैं जैसे प्रभुपाद प्रपट में लिख रहे हैं कि शिव जी क्या है, भगवान की गुणात्मक अवतार हैं, तो जो भगवान के अंदर गुण है वही क्या है, भगवान के भक्तों के अंदर भी वही गुण का पाए जाते हैं जो शिव जी के अंदर यहाँ पे हैं, जिसमें से एक गुण की यहाँ पे चर्चा की गई है कि वो द्वेष रहित होते हैं, उनके अंदर कोई डुअलिटी नहीं होती, वो ना किसी के मित्र है ना शत्रु हैं। तो हम भी देखते हैं कि जो भगवान कृष्ण हमसे चाहते हैं, तो भगवान के भक्त भी वही हमसे चाहते हैं, है ना, कृष्ण हमसे क्या चाहते हैं कि हमें भी क्या है, कृष्ण प्रेम मिले, हम भी उसके लिए प्रयास करें कि हमें कृष्ण प्रेम मिले। और जो भगवान के भक्त हैं, श्रील प्रभुपाद हैं, नारद मुनि हैं, महादेव प्रभु हैं, भक्ति विनोद ठाकुर हैं, भक्तिसिंह महाराज हैं, ये सारे भगवान के भक्त वही चाहते हैं जो कृष्ण की इच्छा है, क्या कि हमारा जो संबंध भगवान से छूट गया है, फिर हम उस संबंध को क्या है, रिस्टेब्लिश करें। तो ये सारे भक्तों, भगवान के भक्तों की भी यही इच्छा है कि, लेकिन ये जितने भी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, ये क्या है, जैसे शिव जी के बारे में चर्चा की, वो क्या है, बिल्कुल जो डुअलिटी है, जो दुगलापन है, उससे क्या है, सारे भक्त, क्या भगवान के शुद्ध भक्त इससे बिल्कुल दूर रहते हैं।
कि शिव जी का भी कोई शत्रु नहीं है, ना कोई मित्र है, वो बिल्कुल इससे परे हैं। और हमें भी अगर भगवान की शुद्ध भक्ति करनी है, या भगवान की भक्ति या भगवान से आसक्ति चाहिए, तो हमें भी क्या है, हमें भी इस गुण को अपनी लाइफ में अप्लाई करना पड़ेगा। तभी हम भी क्या है, जो भगवान के भक्तों की जो आसक्ति है भगवान से, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारी भी आसक्ति क्या है, वही भगवान की तरह होगी। और इसके साथ साथ हमें जो भगवान के भक्त हैं उनकी जो अच्छे गुण हैं उनको देखना चाहिए, और उनको उनका संग करना चाहिए, उनको अपने जीवन में अप्लाई करने का प्रयास करना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि अगर हम भक्तों के अंदर अच्छे गुण नहीं देखेंगे तो क्या है, अगर वो फिर लास्ट में पनिश करेंगे, अगर हमें दंड देंगे तो क्या होगा, हमारी पूरा जीवन क्या है, फिनिश हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं कि लास्ट में क्या होगा, शिव जी को क्रोध आएगा और फिर दक्ष को क्या है, पनिश करेंगे। तो हमें दो चीजें करनी है कि हमें भगवान के भक्तों से संबंध बनाना चाहिए, और हमें इस ड्वेलिटी से क्या है, बाहर आना चाहिए। जैसे भगवान भगवता के 18वें अध्याय के 54वें श्लोक में कहते हैं, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती, समा सर्वेशु भूतेषु मद भक्तिम लभते परामहि। तो भगवान कह रहे हैं कि जो बिल्कुल ब्रह्मभूत है, जो आत्मा है, ब्रह्मभूत मतलब जो बिल्कुल सिचुएटेड है भगवान की भक्ति में, वो क्या है, वो बिल्कुल प्रसन्न है, जॉयफुल है, और वो क्या है, ना उसे कुछ कुछ सोचता है, और ना कुछ उसे क्या है, कोई इच्छा है उसकी, ना कभी लेमेंट करता है, ना कभी उसके हृदय में कोई इच्छा आती है। और वो समय सर्वेशु भूतेषु, जितने भी जीव हैं सबके प्रति क्या है, उसका व्यवहार क्या है, समान है, सबको समान दृष्टि से देखता है। समान दृष्टि देखने का मतलब क्या है कि वो सबके हृदय में क्या है, भगवान के दर्शन करता है। और मद भक्तिम लभते पराम, इस अवस्था में क्या है, जो भक्त है वो क्या है, जो शुद्ध भक्ति है वो क्या है, मेरे तक पहुंचता है, जो मेरी शुद्ध भक्ति है उसको वो प्राप्त कर पाता है। तो भगवान कह रहे हैं, और बिल्कुल यही ऑलमोस्ट सेम श्लोक श्रीमद भागवतम में जो प्रचेताज हैं, जो उनका पास उनमें आता है, चौथे स्कंद के 30वें अध्याय के 20वें श्लोक में, नव्यवद्यो भ्राम्यतब्रह्मवादिभिः न मुह्यन्ति न शोचन्ति न हृष्यन्ति यतो गता। कि नव्यवद्यते यज्ञो, कि जो भक्त हैं हमेशा नया महसूस करते हैं, हमेशा फ्रेश महसूस करते हैं, जो भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, यज्ञ मतलब भगवान। और ब्रह्मवादी भी, और जो ब्रह्मवादी व्यक्ति हैं वो क्या है, इस अवस्था को क्या है, ब्रह्मभूत कहते हैं। और जो ऐसी अवस्था में प्राप्त होता है वो क्या है, न मुह्यन्ति न शोचन्ति, कि ऐसे ब्रह्मभूत इस मुक्त अवस्था में क्या है, मोहग्रस्त भी नहीं होते, ना कोई पश्चाताप करते हैं, और हृष्यन्ति, ना कोई उन्हें हर्षित होते हैं, ना कोई उन्हें हर्ष होता है। तो वो इन सारी चीजों से क्या है, ऊपर है, इन सारी जो समाज की ड्वेलिटी है वो इन सबसे ऊपर है। तो हम देखते हैं अगर हमें भी इस अवस्था में पहुंचना है, तो श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता हमें ये आदेश दे रही है कि हमें भी क्या है, इस जो ड्वेलिटी से बाहर आना पड़ेगा। तो हम इस ड्वेलिटी से कैसे बाहर आ सकते हैं, कि हमें कुछ चीजों को क्या है, त्यागना पड़ेगा, कुछ चीजों को हमें अवॉइड करना पड़ेगा, है ना। तो कुछ चीजों को हमें क्या है, कॉन्शियसली अवॉइड करना पड़ेगा, जानबूझकर अवॉइड करना पड़ेगा, कुछ चीजों को हमें बहुत ही सावधानी से केयरफुली अवॉइड करना पड़ेगा, और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हमें पर्पसफुली, उद्देश्य पूर्ण, उनको हमें अवॉइड करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। जैसे हम देखते हैं श्रीनिवास आचार्य षड गोस्वामी अष्टक में लिखते हैं, त्यक्त्वा तू न मसेस मंडलपति श्रेणीम सदा तुच्छवत्। कि हम देखते हैं जो षड गोस्वामी, तो उन्होंने क्या सब कुछ त्याग दिया है और सब कुछ छोड़ के कहाँ पे आ गए, वृंदावन के जंगलों में रहने लगे, उन्होंने अपना घर भी नहीं बनाया, क्या एक पेड़ के नीचे रहते थे, और वो क्या थे, इधर उधर घूम के क्या प्रचार कर रहे थे, शास्त्र लिख रहे थे, किसके लिए, हम सबके लिए, हम सबके भले के लिए। वो उनकी जो स्थिति वो तो बिल्कुल सेटल थे, उन्हें किसी कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी। ऐसे हम श्री प्रभुपाद के केस में भी देखते हैं कि वो भी बिल्कुल वृंदावन में रह रहे थे, आराम से अच्छी भक्ति कर रहे थे, उन्हें क्या जरूरत थी जो अमेरिका जाने के, इतने सारे संघर्ष करने के, इसलिए कि हमारे लिए, कि हम आगे जाके क्या है, भक्ति कर पाए।
हमें क्या है, कुछ चीजों को कॉन्शियसली अवॉइड करना है, कुछ चीजों को क्या है केयरफुली अवॉइड करना है, कुछ चीजों को पर्पसफुली अवॉइड करना है। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको हमें कॉन्शियसली जानबूझकर अवॉइड करना है ना। जैसे हम इस संदर्भ में देख रहे हैं कि जो सती माता है वो जो भगवान शिव हैं, ऐसा नहीं उनके प्रति उनकी ईर्ष्या थी इस वजह से उन्होंने उनको फॉलो नहीं किया। क्यों नहीं फॉलो किया उनको? क्योंकि उनकी जो आसक्ति थी वो क्या थी, भौतिक स्तर पे थी, अपने जो सगे संबंधी हैं जो पिता से बहुत आसक्ति थी, इसी कारण से क्या हुआ उन्होंने अपने पति को फॉलो नहीं किया और उसका परिणाम आज हम देख रहे हैं और आगे के अध्याय में हम देखेंगे। तो ऐसी चीज जो कौन सी है जिनको हमें कॉन्शियसली अवॉइड करना है, कि जो हमारी भौतिक जीवन है, जो भौतिक जीवन की आसक्तियां हैं वो क्या है, उनको हमें जानबूझकर क्या है त्यागना है, जैसे सद गोस्वामी ने त्याग दिया है कि बिल्कुल कोई आसक्ति नहीं, बिल्कुल सब त्याग दिया। तो हमें क्या है, एक्टिविटीज नहीं छोड़नी है, जो हम कार्य कर रहे हैं कार्य सेम करने हैं, लेकिन जो प्रवृत्ति है उसको त्यागना है। कार्य सेम कर रहे हैं, हमको कार्य क्या है, पहले हम कर रहे हैं, पहले भी खा रहे हैं, अब भी खा रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, पहले भी नाचते थे, पहले ढोल बजाड़े भी नाचते थे, अब क्या है कृष्ण कीर्तन में नाचेंगे। तो जो लाइफ स्टाइल है, जीवन की जो शैली है वो चेंज करनी है, जीवन की क्रियाएं वही रखनी है ना। तो इसको क्या करना है, हमें कॉन्शियसली जानबूझकर त्यागना है। इसके लिए ज्यादा सोचना विचारना नहीं है, इसको क्या है तुरंत त्यागना है। जैसे यहाँ पे सती नहीं त्याग पाई और जिसका उन्हें बहुत क्या है उसका दुष्परिणाम उन्हें भुगतना पड़ा। और दूसरी चीजें हैं जिनको हमें केयरफुली, केयरफुली मतलब कि थोड़ा ध्यान पूर्वक उनको क्या है उनको त्यागना है। जैसे हम जब जुड़ते हैं तो हमारे साथ साथ क्या है बहुत सारे एजेंडे हमारे साथ चलते हैं। क्या क्या, जैसे क्या है कि मुझे मेरा क्या है लोग गुणगान करें, मेरा ग्लोरिफिकेशन होना चाहिए कि मैंने इतनी अच्छी क्लास दी है, किसी ने ग्लोरीफाई नहीं किया कि है ना, मेरे फॉलोअर्स होने चाहिए कि है ना, अब यू लाइव चल रहा है कि खाली 5 लोग देख रहे हैं, 50 लोग देखने चाहिए कि तो मैं और अच्छी क्लास दे पाऊंगा कि है ना। तो और क्या हो कि जो मैं काम कर रहा हूँ उसका अच्छा रिजल्ट आना चाहिए। तो ये सारे हमारे जो एक्स्ट्रा एजेंडा है क्या है, जो हम भक्ति करते हैं तो क्या ये सारे एक्स्ट्रा एजेंडा हमारे साथ ऐड होते रहते हैं, ये सारी चीजें हमारे पास स्वतः ही आ रही हैं। लेकिन इनको क्या करना पड़ेगा, हमको इनको केयरफुली इनको अवॉइड करना पड़ेगा। केयरफुली क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है जो एजेंडा आपके पास आएंगे आएंगे, तो ऐसा ना हो कि आपने छोड़ दिया, इससे क्या होगा आपका जो प्रीचिंग था आगे वो भी रुक गई, मैं तो फॉलो नहीं बनाऊंगा, तो इसका मतलब पीछे रुक जाएगा, प्रचार ही नहीं करोगे। तो इसका मतलब क्या है, इन चीजों को बहुत ही केयरफुली अवॉइड करना है। अगर लगता है आपको जो भक्ति में क्या है बिल्कुल मेरी भक्ति नष्ट होने वाली है, तब इसको मैं इनको अवॉइड करना है ना। और एक बार क्या हुआ, एक फैमिली थी, तो फैमिली के क्या है कुछ माता थी, उसके बच्चे क्या अलग अलग दूर स्थानों पर रहते थे। तो एक बार क्या, मदर्स डे था, मदर्स डे शायद अभी आने वाला है मई में ना, तो मदर्स डे था, तो सभी फैमिली मेम्बर्स ने इकट्ठा हुए और उन्होंने सोचा कि अब क्या है हम जो मदर्स डे उसको सेलिब्रेट करेंगे अपनी मदर के साथ। तो सब लोग इकट्ठा हुए घर पे, उन्होंने डिसाइड किया कि हम कहीं पिकनिक पे जाएंगे और वहाँ पे क्या है मदर्स डे को सेलिब्रेट करेंगे। तो उन्होंने सब कुछ अरेंजमेंट कर लिया, वहाँ रूम वगैरह बुक करवा दिए और बस वाहन वगैरह सब बुक करवा दिए। लेकिन जैसे ही सब लोग बस में बैठे तो क्या हुआ कि बस की जितनी सीट थी उसमें से एक सीट कम पड़ गई थी। मान लो 11 लोग थे और 10 की सीट थी उसमें बस में। अब सब लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि कौन नहीं जाएगा, कौन उतरेगा एक्चुअली, क्योंकि अमेरिका में क्या है कि जितने पैसेंजर जितनी सीट है उतने लोग जाते हैं, चालान कटेगा। इंडिया में चल जाते छुपे ही बैठ जाते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन तब वह सब एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि कौन यहाँ रुकेगा, तो सब लोग एक ही तरफ देख रहे हैं, कौन सी तरफ, मदर की तरफ। चलो मदर की तरफ देख रहे हैं कि यही ऐसा व्यक्ति है कि जिनको यहाँ पे रोक सकते हैं, वो कोई आर्गुमेंट नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। नहीं तो क्या हुआ, एक भाई को रोक गया दूसरा भाई लड़ेगा, एक उसकी वाइफ को रोक दिया उसकी वाइफ लड़ेगी, एक बहन को रोक दिया उसकी दिक्कत हो जाएगी। ये क्या है, ये न्यूट्रल है, इनको रोक सकते हैं। तो वो क्या है पिकनिक मनाने चले गए, वो मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं किसके बिना, बिना अपनी माता के। तो ऐसे ही अगर हमारे जीवन में हम भी अगर इन एजेंडाओं को अपना रहे हैं, बहुत सारे फॉलोअर्स को हैं, हमारे अंदर इच्छाएं हैं, लेकिन हमारा जो एक्चुअल फोकस है कौन, कृष्णा, तो क्या है वो सब बेकार है ना। हम बिना कृष्ण के क्या है ये सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इसी तरह हमें क्या करना है कि हमें
इन चीजों को बहुत ही केयरफुली, बहुत ही ध्यान पूर्वक इन चीजों को अवॉइड करना है। नहीं तो भक्ति के फॉर्म में क्या है कि हम कभी कभी होता है कि भवतम भी सुन रहे हैं, माला भी कर रहे हैं, मंगल आरती भी अटेंड कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण बीच में नहीं है। हो सकता है हम किसी को इम्प्रेस करने के लिए सारी चीज कर रहे हैं या अटेंडेंस के लिए कर रहे हैं, ठीक है थोड़ा बहुत उसका महत्व है शुरुआत में, लेकिन जो एक्चुअल फोकस वो कृष्ण ही होगा, तभी हमें उसका क्या है पूर्ण तरह से लाभ मिलेगा। तो इन चीजों को हमें क्या है बहुत ही ध्यान से, बहुत ही केयरफुल इन चीजों को हमें अवॉइड करना पड़ेगा। और जो तीसरी चीज है, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हमें क्या है पर्पसफुली उनको अवॉइड करना पड़ेगा, उद्देश्य पूर्ण से उनको हमें त्यागना पड़ेगा। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमारा डेजिनेशन है, जो हमारे पास पोस्ट है, उनको हमें क्या है बहुत ही उद्देश्य पूर्ण से उनको त्यागना पड़ेगा। क्यों उद्देश्य पूर्ण से? क्योंकि अगर हमें जो जो पोस्ट दी गई हैं उनका क्या है, हमें उनका कुछ उद्देश्य है, अगर उस पोजीशन से वो उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है हमारी भक्ति उससे डिस्टर्ब हो रही है, तो उसे क्या हमें उनको त्यागना चाहिए। जैसे हमारे पास जीवन में बहुत सारी पोजीशन है, भक्ति विषय लीडर हैं, टेम्पल कमांडर हैं, टेम्पल प्रेसिडेंट हैं, जीबीसी हैं, तो बहुत सारी हमें यहाँ पे पोजिशन मिलती हैं। तो अगर पोजिशन से क्या हो रहा है, अगर हमारी भक्ति क्या हट रही है, हम भक्ति से दूर जा रहे हैं, और जिस उद्देश्य के लिए हमें जो पोजिशन दी गई है वो उद्देश्य पूर्ण नहीं हो रहा, तो क्या है हमें उसको पर्पसफुली क्या है उसको उन सारी चीजों को छोड़ना है। कि जैसे दक्ष यहाँ पे क्या है वो अपनी पोजीशन से इतनी आसक्त है, यहाँ पे क्या है उस पोजीशन, इसी पोजीशन की वजह से क्या है वो अपने आप को इतना बड़ा मान रहे हैं, और शिव जी को क्या है अपने आप सामने छोटा मान रहे हैं, और इसी के कारण आगे क्या है इसका इतना दुष्परिणाम हम देखते हैं। तो अगर हम भी इन तीन चीजों को जो हमने अभी डिस्कस की इनको छोड़ पाते हैं, तो हम भी क्या कर पाएंगे कि हम भी जो भगवान के भक्त हैं, जिनकी आसक्ति भगवान से है, तो हम भी जो ब्रह्म भूता स्टेज है उसको हम भी उसको अचीव कर पाएंगे अपनी लाइफ में, और उस ड्वेलिटी से क्या है जो भगवान से परे हैं, हम भी उस ड्वेलिटी से परे हो पाएंगे। और ये पहला पार्ट था, और जो दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट के परपट में प्रभुपाद लिख रहे हैं कि इसीलिए सती ने अपने पिता को दोषी ठहराया, आपके अतिरिक्त भला ऐसा कौन है जो शिव से ईर्ष्या करेगा या उनका शत्रु बनेगा। अन्य साधु तथा विद्वान ब्राह्मण वहां उपस्थित थे, किंतु वे शिव से ईर्ष्या नहीं कर रहे थे, यद्यपि वे सभी दक्ष के आश्रित थे, अतः दक्ष के अतिरिक्त भला अन्य कोई शिव से क्यों द्वेष करने लगेगा। तो यहाँ पे जो दक्ष है वो क्या है शिव से बहुत ही ईर्ष्या, उनके मन में बहुत ही ईर्ष्या है। तो ईर्ष्या की जो परिभाषा है, जो वैष्णव के अगर हम वैष्णव भाषा में बोलें, तो परा दुख सुखी और परा सुख दुखी है। जो दूसरे को सुख के देख के क्या होता है दुखी होता है, और दूसरे के दुख को देख के क्या होता है सुखी महसूस करता है, तो उसको हम ईर्ष्या कहते हैं। तो हिजो लेना सचरन स्वामी महाराज एक कहानी बताते हैं इस ईर्ष्या के संदर्भ में, जो आपने बहुत बार पहले भी सुनी होगी, कि एक व्यक्ति होता है तो बहुत ही अपनी जीवन से बहुत ही निराश हो जाता है, उसके जीवन में कुछ नहीं था, बहुत ही गरीब था। एक बार एक जंगल में जाता है और वहां बिल्कुल चिंतन करता है कि मैं ऐसे जीवन की समस्याओं से मैं कैसे बाहर आऊं। तो ऐसे मनन कर रहा होता है तो ऊपर से एक आवाज आती है, एक डिवाइन मतलब एक दिव्य आत्मा ऐसे उसको अप्रोच करती है, बोलते क्यों आप परेशान हो ऐसे कि मेरे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। तो वो कहते ठीक है आप कुछ भी मांगो मैं आपको वो दूंगा, लेकिन एक शर्त है कि जो आप मांगोगे जितना आपको मिलेगा उससे दुगना किसको मिलेगा, आपके जो पड़ोसी है उसको आपसे दुगना मिलेगा। तो मांगता है ठीक है कोई बात नहीं क्या दिक्कत है। वो देखता है ठीक है मेरे जीवन में ना कुछ खाने को नहीं है, मुझे 3 टाइम का खाना चाहिए, ठीक है 3 टाइम का खाना मिल गया। और उस पड़ोसी है क्या है उससे दुगना खाना मिल गया, उसने बोला कि मेरा क्या है एक घर मिल जाएगा 1 मंजिल का, पड़ोसी का 2 मंजिल घर हो गया। तो उसने सोचा कि तो ठीक है, तो उसने सोचा नहीं मेरा 2 मंजिल का घर हो जाएगा, तो पड़ोसी का 6 मंजिल का घर हो गया कि मेरी गाड़ी होनी चाहिए, कि एक गाड़ी होनी चाहिए, पड़ोसी घर में 2 गाड़ी आ गई। तो धीरे धीरे क्या हो ठीक है पहले ठीक था तो खाने पीने, अब क्या चीजें बढ़ती जा रही है। तो धीरे धीरे उनके मन में बहुत ईर्ष्या होने लगी है, और फिर उसने बोला कि मैं आपसे बहुत आज बहुत अजीब सी चीज मांगना चाहता हूँ, तो आप इसका गलत मतलब मत देखना है, आज क्या करो आप मेरी एक आंख फोड़ दो है ना। तो उसने देखा घर पर जाके तुरंत जो पड़ोसी थी उसकी क्या है 2 आंखें फूटी हुई थी, तो उसको बहुत खुशी हुई है कि उसकी दो आंखें फूट गई। तो यही ईर्ष्या का क्या है
सिम्टम है, ये डेफिनेशन है कि दूसरे के सुख को देख के हमारे हम दुखी होते हैं और दूसरे के दुख के अंदर क्या है हम सुखी होते हैं, ये ईर्ष्या है। और जब हमारे अंदर ईर्ष्या आती है तो चित्रकेतु महाराज के पास टाइम में हमें पता पड़ता है कि ईर्ष्या से हमारा क्या हमें नुकसान होता है। तो विद्वेष नष्ट मतय स्त्रियो दारुण चेतसा, तो विद्वेष नष्ट मतय मतलब कि जब ईर्ष्या आती है हमारे अंदर तो क्या होता है कि जो हमारी बुद्धि है हम क्या है उस बुद्धि से बिल्कुल भ्रष्ट हो जाते हैं, उस खो देते हैं उस बुद्धि को, हम क्या है क्या करना है हमारी बुद्धि काम नहीं करती उसमें अगर हमारे अंदर ईर्ष्या है तो। और दारुणा चेतसा, और हम बहुत ही हमारा जो हृदय है बहुत ही हार्ड हो जाता है, बहुत ही कठोर हो जाता है ना। जैसे चित्रकेतु महाराज के पास टाइम में हम देखते हैं कि उनकी पत्नी को क्या बहुत ईर्ष्या हो गया कि क्योंकि एक पत्नी का क्या पुत्र हो गया था और चित्रकेतु महाराज उससे बहुत आसक्त थे, उसकी बहुत वैल्यू करते थे, बाकी पत्नियों के बाद इग्नोर कर रहे थे, इसीलिए जो दूसरी पत्नियां थी उनके मन में बहुत ईर्ष्या क्या वो बढ़ रही थी और उनकी ईर्ष्या इतनी बढ़ गई कि उनकी बिल्कुल बुद्धि भ्रष्ट हो गई और उनका हृदय बिल्कुल कठोर हो गया। इसी कारण बुद्धि भ्रष्ट होने और कठोर हृदय के कारण ही वो क्या है एक नवजात मतलब बिल्कुल छोटे शिशु को वो क्या है जहर देने के लिए वो समर्थ हो पाए, नहीं तो बहुत मुश्किल है। एक जिसका स्त्री है उसका हृदय इतना कोमल होता है उसके बावजूद एक छोटे से बच्चे को क्या है जहर देना बहुत मुश्किल है क्योंकि उनके अंदर इतनी ईर्ष्या बढ़ गई थी कि उनका हृदय बिल्कुल क्या हार्ड हो गया था। और हम देखते हैं कि यहां भी दक्ष महाराज के केस में भी, दक्ष प्रजापति के केस में भी क्या है कि उनके अंदर भी इतनी ईर्ष्या हो चुकी है और वो बिल्कुल बुद्धि से भ्रष्ट हो चुके हैं, क्या करना क्या नहीं करना कुछ समझ में नहीं आ रहा उनका, और उनका भी हृदय इतना कठोर हो चुका है यहाँ पे कि अपनी जो पति सॉरी जो अपनी पुत्री है उससे उनकी बिल्कुल आसक्ति नहीं है, उसको बिल्कुल इग्नोर कर रहा है यहाँ पे, है ना, बिल्कुल हृदय जो बिल्कुल कठोर बना लिया है। तो हमारा हृदय क्या है हम बुद्धि को खो जाते हैं जब हमारे ईर्ष्या आती है और जो हमारा हृदय बहुत ही कठोर हो जाता है। जैसे कि जब जो जहाज है वो पानी में क्या जाता है तो कई भी कभी जहाज क्या डूब जाता है, कब डूबता है जब समुद्र में चलता है तो कई जगह ऐसा होता है कि जो बीच समुद्र में जाता है तो क्या है वहां पे क्या है पानी क्या जमा हुआ है उसकी बर्फ बनी हुई है तो वहां पे क्या है जहाज क्या है मैक्सिमम जहाज वहां पे डूब जाते हैं और पानी होगा तो क्या होगा वहां पे नहीं डूबेगा। तो ऐसे ही अगर हम हमारा भी हृदय क्या है बिल्कुल हार्ड हो गया इसी बर्फ की तरह तो हमारा भी जहाज रूपी जो है क्या भक्ति है वो भी क्या है हम डूब जाएगी, भक्ति हमारी बिल्कुल नष्ट हो जाएगी क्योंकि ईर्ष्या से हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, हम वैष्णव अपराध करेंगे, इतना द्वेष आ जाएगा, हमारा हृदय बहुत हार्ड हो जाएगा, हम कुछ भी करेंगे और हम भक्ति को क्या हमारी भक्ति का बिल्कुल विनाश हो जाएगा क्योंकि हम बिल्कुल हार्ड हो जाएंगे उसमें। तो और अगर दूसरी तरफ क्या है बिल्कुल सॉफ्ट रहेंगे तो क्या है हृदय सॉफ्ट रहेगा तो क्या है हम उस भक्ति को कंटिन्यू कर पाएंगे तो हमारा जो जहाज है वो क्या है कभी डूबेगा नहीं। तो अगर हमारे अंदर इच्छा है भगवान को प्रसन्न करने की तो उससे हमें संतुष्टि मिलेगी और अगर हमें अपने आप को प्रसन्न करने की इच्छा है तो हमें क्या है हमारा डिस्ट्रक्शन डेफिनेटली होगा, हम हमारी जो भक्ति है वो क्या है पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। और अगर हम भक्तों को ग्लोरीफाई करेंगे तो क्या है हम इजीली जो भगवत धाम है उसमें एक्सेस कर पाएंगे और अगर हम भक्तों का अपराध करेंगे भक्तों के प्रति तो क्या है वो जो भगवत धाम का जो एक्सेस है उसको वो अपराध क्या है ब्लॉक कर देंगे। तो हमें इस जो एनवी है उसको बहुत ही केयरफुली उसके साथ डील करना चाहिए उसको क्योंकि उससे हमारी जो बुद्धि बिल्कुल नष्ट हो जाएगी और बुद्धि नष्ट होने के बाद क्या है हम बिल्कुल पशु की तरह कार्य करेंगे क्योंकि पशुओं के पास पशु और हमें क्या अंतर है हमारे पास हायर इंटेलिजेंस है, हम लोग रोज 4-6 दिन पढ़ते हैं तो हम क्या है पशु की तरह कार्य करेंगे और हम सारे अवसर खो देंगे जो हमें एक्सेस प्रदान करते हैं भगवत धाम जाने का, जो हमारा लक्ष्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का, वो सारे अवसर हम क्या है खो देंगे। तो जो एनवी है एक्चुअली जो द्वेष है एक्चुअली जो द्वेष आता है तो इस द्वेष के अधीन होकर हम चार चीजें करते हैं, है ना, वो चार चीजें हम थोड़ा थोड़ा उस पर संक्षेप में चर्चा करेंगे। उनमें से चार चीजें हैं, पहली है सिन हम पाप करते हैं, दूसरा है ऑफेंसेस हम अपराध करते हैं, तीसरा है क्रिटिसिज्म हम आलोचना करते हैं और चौथा है एटिकेट्स हम सदाचार का पालन नहीं करते। तो ये चारों चीजें अलग है, ये चारों चीजें अलग है, इनका आपस में संबंध नहीं है। और जैसे पाप हम लोग जानते ही हैं, पाप क्या होता है कि जो सिंफुल एक्टिविटीज जो हम शास्त्रों के अगेंस्ट धर्म के अगेंस्ट जो हम कार्य करते हैं वो क्या है पाप होता है। और हम देखते हैं कि
हम हरि नाम की महिमा पढ़ते हैं कि हरे कृष्ण मंत्र का जप करने से क्या होता है, जितने भी हमने करोड़ों पाप किए इतनी गति से हम पाप कर भी नहीं सकते, जितने हरे कृष्ण मंत्र करने से पाप सारे नष्ट हो जाते हैं। तो हम सब लोग जानते हैं पाप सिंपल एक्टिविटीज, मतलब जो शास्त्रों के अगेंस्ट जो हम कार्य करते हैं वो होता है पाप, और होता है ऑफेंसेस। ऑफेंसेस में ऐसे सबसे ज्यादा जो खतरनाक है वो क्या है, वैष्णवों के प्रति अपराध है, है ना। और पढ़ते हैं स्कंद पुराण में 6 तरह के वैष्णव अपराध हैं, कौन कौन से, कि कोई व्यक्ति वैष्णव की क्या है हत्या करता है, और कोई उसकी बुराई करता है, कोई उससे द्वेष है इसके अंदर, और कोई उसको प्रणाम नहीं करता वैष्णव को, और कोई वैष्णव को देख के क्या है गुस्सा हो जाता है, एंग्री होता है, और छठा है कि वैष्णव को देख के प्रसन्न नहीं होता। तो ये 6 अपराध हैं। आपने देखा कि जो क्रिटिसिज्म है, एक दूसरे की आलोचना करना, वो इन अपराधों के अंतर्गत नहीं आएगी। वो हम समझेंगे उस केस में कि वो कैसे अपराध नहीं आएगी। तो वैष्णव अपराध क्या है कि ये बहुत ही खतरनाक है, और ये कैसे होता है, जब हमारे अंदर वैष्णव के प्रति ईर्ष्या होती है तो फिर उसके प्रति अपराध करने की वो अपने आप ही एक अपराध हो जाता है। जैसे वो तीसरा अपराध है कि एनवेसम होते हैं। और वैष्णव अपराध क्या है कि हरे कृष्ण, जब हम वैष्णव अपराध करते हैं जो हरे कृष्ण मंत्र के भी जो इतना इफेक्टिवली इफेक्ट होना चाहिए उसका क्या है, उतना इफेक्टिवली हम हरे कृष्ण मंत्र भी जप नहीं कर पाते हैं। तो हरे कृष्ण मंत्र भी एक सॉल्यूशन नहीं है कि हम वैष्णव अपराध से क्या है बच पाए। तो क्या है, वैष्णव के पास जाकर उसे क्षमा मांगे तब वैष्णव हो सकता है कि उसे अपराध कुछ क्षमा कर दे। तो इस वजह से वैष्णव अपराध बहुत खतरनाक है। तो हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, हम चारों चीजों को खाली मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ कि कैसे वो चार चीजें अलग अलग है, पाप अलग है, कैसे अपराध अलग है। और तीसरी है क्रिटिसाइज करना, कि दूसरे की आलोचना करना। आलोचना करना कैसे इन दोनों से अलग है, हम देखेंगे कि दक्ष ने क्या किया, पहले शिव जी की आलोचना की, क्या किया कि शिव जी क्या है मेरे दामाद है, उनको खड़े होना चाहिए था, है ना। तो इतना बोलना कोई अपराध नहीं है इसमें, ये क्या है? खाली क्रिटिसाइज करना। जैसे हम भी कभी कभी भक्तों को बोलते हैं कि आपको ये सेवा करनी चाहिए थी, आपने क्यों नहीं की, है ना, आपको ऐसे करना चाहिए था। ये क्या है, ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं हम खाली उनका उनके, तो इसमें कोई अपराध नहीं है। लेकिन बाद में जो दक्ष का जो व्यवहार था वो बाद में अपराध में बदल गया, जब वो शिव जी की क्या है बुराई करने लगी, उनको ब्लेसफेम करने लगी, पहले तक उनका अपराध नहीं था। तो क्रिटिसिज्म क्या है, जो आलोचना, वो डिफरेंट है इससे। और चौथा है एटिकेट्स, कि जो वैष्णव सदाचार का पालन, वैष्णव सदाचार का जो सारांश है, जो मतलब है कि हमें वैष्णवों को ग्लोरीफाई करना, वैष्णव को गुणगान करना है। अगर हम वैष्णव का गुणगान नहीं कर रहे तो हम वैष्णव सदाचार का पालन नहीं कर रहे। तो अगर वैष्णव सदाचार का पालन कर रहे हैं उसके पीछे उद्देश्य क्या है, कि हम वैष्णवों को क्या ग्लोरीफाई कर रहे हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि दक्ष प्रजापति के केस में उन्होंने चारों चीजें की। ये कैसे की, जैसे हमने क्रिटिसाइज किया, हमने देख लिया, और उन्होंने शिवजी को ग्लोरीफाई नहीं किया, तो वैष्णव टिकट्स का पालन नहीं किया, और उन्होंने अपराध भी किए शिवजी के प्रति, और जो पहला था पाप, उन्होंने पाप भी किया, धर्म का पालन नहीं किया। कब नहीं किया, जब उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया, उसमें क्या होता है सभी डेमी गॉड्स का क्या है हिस्सा होता है, लेकिन उन्होंने क्या है शिव जी के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ा। तो ये क्या है, शास्त्रों के अगेंस्ट है, अधार्मिक कार्य। तो दक्ष ने क्या किया, इन चारों चीजों को क्या है अपने इस पास्ट टाइम में किया। क्यों, क्योंकि उनके अंदर ईर्ष्या थी। तो अगर हमारे अंदर ईर्ष्या है तो हम भी इन चार चीजों को करने पे मजबूर होंगे और कर पाएंगे। तो इसीलिए जो ईर्ष्या है क्या है, ये बहुत ही खतरनाक है। तो हम इससे कैसे बाहर आ सकते हैं, तो प्रपद बताते हैं जो महाराज पथु अरिंद का पास्ट टाइम है 4th स्कंद में, तो उसमें बताते हैं स्पृशंतम पादेव प्रेण्या विरणितम श्रेण कर्मणा सत्कृतम परिवज्य विद्वेषम विसर्जय। तो इसमें स्पृशंतम पादेव है, तो जब इंद्र को एहसास होता है कि मुझसे गलती हुई है, तो वो क्या है, इंद्र महाराज जाते हैं पृथ्वी के चरण स्पर्श करने के लिए। लेकिन पृथ्वी महाराज क्या करते हैं कि जो भी ईर्ष्या थी उसको भुला के क्या करते हैं, उनको गले से लगाते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य बहुत अच्छी बात लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बोध दोनों को कहते हैं, इंद्र महाराज को भी ईर्ष्या थी और पृथु महाराज भी ईर्ष्यालु थे, और दोनों के अंदर ईर्ष्या भी थी, दोनों एक दूसरे नाराज भी थे, लेकिन दोनों यहाँ पे क्या है वैष्णव है, दोनों भक्त हैं भगवान के। तो इसी वजह से उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो उस एनवी का, जो उस द्वेष का कारण था, उसको क्या है एडजस्ट किया। तो प्रभुपाद यहाँ पे इस तात्पर्य में कहते हैं कि भक्तों को चाहिए कि क्या है कि अगर भक्तों के बीच में ईर्ष्या है तो जो ईर्ष्या का कारण है, जो कॉज है, उसको क्या करना चाहिए, उसको एडजस्ट करना चाहिए, आपस में बैठ के एडजस्ट करना चाहिए, नहीं तो किसी थर्ड पर्सन, किसी सीनियर डिवोटी का
उसमें हेल्प भी आ सकता है कि उस ईर्ष्या को क्या है खत्म करना चाहिए, क्योंकि ये जो ईर्ष्या है क्या है हमने देखा बहुत खतरनाक है, ये इसका परिणाम बहुत खतरनाक हो सकता है। इसी वजह से प्रभुपाद यहाँ पे ये कह रहे हैं कि उसको भक्तों को क्या करना चाहिए, उस ईर्ष्या के कारण को क्या है उसको एडजस्ट करना चाहिए। और फिर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि दिस इज ऑल्सो अ फर्स्ट क्लास एग्जाम्पल ऑफ कोऑपरेटिव बिहेवियर बिटवीन वैष्णवाज। कि प्रभुपाद लिखते हैं कि ये प्रथम श्रेणी का क्या है उदाहरण है कि भक्तों को जो ईर्ष्या का कैसे उसको ईर्ष्या को हटाना चाहिए। तो हमें हम भी अपने जीवन में इसको अप्लाई कर सकते हैं और ईर्ष्या रहित हो सकते हैं। और क्योंकि ईर्ष्या इतनी खतरनाक है, इतना उसका परिणाम इतना खतरनाक हो सकता है, इसीलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी सभी वैष्णव हैं जो भगवान के भक्त हैं उनसे विनम्र प्रार्थना कर रहे हैं चैतन्य चरितामृत में और कह रहे हैं चैतन्य चरित सुन श्रद्धा भक्ति करी मत्सर्य छाड़ी मुखे बल हरि हरि। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि आप क्या करो चैतन्य चरित सुन श्रद्धा भक्ति करी, कि आप सब क्या करो श्रद्धा और भक्ति के साथ क्या है चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं हैं उनका श्रवण करो, और सभी लोग क्या करो भगवान से भक्तों से ईर्ष्या को छोड़कर क्या करो भगवान के पवित्र का नाम कीर्तन करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह हमने आज जाना कि कैसे ईर्ष्या जो हमारा बहुत सारी चीजों का कारण बनती है, हमारा हृदय जो बहुत ही हार्ड हो जाता है और हम उस हार्ड हृदय से क्या है बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं जिसका दुष्परिणाम बहुत खतरनाक होता है और हमारी भक्ति उससे बिल्कुल भक्ति का विनाश हो सकता है। तो और हमने देखा इसका सॉल्यूशन क्या है, प्रभुपाद जो पतु महाराज और इंद्रदेव का तात्पर्य में उसका सॉल्यूशन दे रहे हैं कि हमें जो उस ईर्ष्या का जो कारण है उसको एडजस्ट करने का प्रयास करना चाहिए, किसी की हेल्प लेनी चाहिए। और ये इतना खतरनाक है कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसी वजह से कह रहे हैं कि इस ईर्ष्या को छोड़कर हमें क्या करना चाहिए भगवान का भगवान लीलाएं हैं उनका बहुत ही श्रद्धा और भक्ति से उनका श्रवण करना चाहिए। तो ये कुछ आज हम इस श्लोक से आज तात्पर्य से कुछ सीख ले सकते हैं, हम भी जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रार्थना कर रहे हैं हम ही उस प्रार्थना को अपने जीवन में अप्लाई कर पाएं और हम भी ईर्ष्या रहित होकर जो भगवान की लीला है भगवान के भक्तों की लीला है ईश्वर भागवतम में उनको ग्लोरीफाई कर सकें और भगवान से अपनी जो आसक्ति को बढ़ा सकें। हरे कृष्ण। किसी कोई प्रश्न है तो एक प्रश्न ले सकते हैं। कोई मारता है भक्त को, दूसरा है बुराई करता है, तीसरा एनवियस है द्वेष है द्वेषपूर्ण है, चौथा प्रणाम नहीं करता और उसको देख के खुश नहीं होता उसे गुस्सा होता है। मतलब और भी हो सकते हैं ये चार मैं देख पाया और भी इससे अलावा भी हो सकते हैं ये चार चीजें जी, अगर हम बार बार कर रहे हैं तब वो अपराध बनना है, जैसे भगवान भी भगवत में कहते हैं अपे से दुराचारो, कि हम बहुत बड़ा दुराचार भी कर रहे हैं तो भी हमें भगवान की भक्ति समझना चाहिए क्योंकि हम भक्ति को अगर कर रहे हैं कंटिन्यू कर रहे हैं तो प्रोसेस में है। और पाप क्या मतलब, जैसे मान लो हम जा रहे हैं रास्ते में वो चींटी मर गई एक्चुअली कुछ, तो देट काइंड ऑफ पाप, ये पाप है, पाप अलग है अपराध अलग है। तो जब हम पहली बार करते हैं पाप ही होता है, लेकिन हम जानबूझ कर इस वजह से कर रहे हैं कि कृष्ण हर मंत्र का जप कर रहे हैं तो उससे क्या है पाप मर जाएंगे, तो वो अपराध बनता है बाद में, पहले वो पाप ही है। और दूसरा क्रिटिसाइज था, जैसे मैंने बताया कि दक्ष प्रजापति ने पहले शिव जी को बोला कि आप खड़े क्यों नहीं, मतलब आपने सम्मान क्यों, आप तो मेरे दामाद हो, तो यहाँ तक वो खाली क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो बाद में अपराध कन्वर्ट हुआ। जैसे हम भक्तों के समाज में भी देखते हैं कि हम भी दूसरे भक्तों को क्रिटिसाइज करते हैं कभी कभी, कि जैसे आपने ये सेवा क्यों नहीं की, आपको क्लीनिंग दी गई थी आपने क्लीनिंग नहीं क्यों की,
तो हम क्रिटिसाइज करें कि आपने किलिंग जो अच्छी नहीं की ऐसी करनी चाहिए, तो ये अपराध नहीं है, हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लेकिन इसको हम ज्यादा एक्सटेंड करेंगे तो वो तब बाद में अपराध में कन्वर्ट हो जाएगा। समझा पा रहा हूँ? मतलब जो छोटा रूप है उसका अगर ज्यादा एक्शन करेंगे तो बाद में आपका अपराध में कन्वर्ट होगा। हाँ वही, द्वेष द्वेष आ गया तो फिर तो अपराध है ही। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, बाद में तो अपराध में कन्वर्ट हुए वो सारे। लेकिन अगर खाली से, अगर मान लो हम बात कर नहीं देखते, खाली हम इतना देखते हैं कि दक्ष प्रवृत्ति ने खाली इतना ही बोला होता, खाली कि आप खड़े क्यों नहीं हुए, आपको खड़ा होना चाहिए, तो वो वैष्णव अपराध, वैष्णव अपराध थोड़ी था। है भाई, सॉरी, ठीक है, हो सकता है। मतलब तीन चीजें फॉलो की, एक चीज ठीक है अपराध, दक्ष केस में क्या अपराध है, बट है अलग चीज, क्रिटिसाइज अलग है, मतलब वो ऑलवेज और अपराध नहीं होगा। और किसी को? ठीक है, धन्यवाद। उपस्थित भक्त बंद की श्रद्धा।